कोरोना का कहर देश और राज्य में पड़ रहा है। बिहार में स्थिति काफी खराब है। बात करें सरकारी अस्पतालों की तो वहां पर ऑक्सीजन और दवाओं की भारी किल्लत है। इसी का फायदा उठाकर निजी अस्पताल कोविड के मरीज को लूटने में लगे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निजी अस्पतालों पर निशाना साधा, जो कि कोविड मरीजों को अपने यहां भर्ती कर रहे हैं और संसाधन नहीं होने के बाद भी लाखों का बिल थमा दे रहे हैं। पूर्व सांसद ने कई निजी अस्पतालों के मरीजों का हवाला भी दिया। पूर्व सांसद ने सरकार से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं राज्य में NMCH और PMCH में संसाधन नहीं होने का हवाला देकर सरकार से इसे बंद करने की मांग भी की। संवाददाता खुशबू सिंह की रिपोर्ट कि इस कोरोना को भी दल में बदल दिया गया और जनता को चाहिए अब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जो भाजपा के लोग हैं वो कमल छाप सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे। जो लालटेन के लोग हैं वो लालटेन सूंघ ले, ठीक हो जाएंगे। और जो जदयू के लोग हैं वो तीर छाप अपने बच्चों को, अपनी माँ को सुंघा दे, ठीक हो जाएंगे। इन नेताओं ने मान लिया है कि हमारा कमल सूंघ लो, किसी की मौत नहीं होगी। इसीलिए हम सारे प्राइवेट नर्सिंग होम जो लगभग जिसके पास कागज नहीं है, बाईपास में है, अन्य जगह है, उसको बैन करने की मांग करते हैं। साथ साथ कोरोना का इलाज वहां नहीं होना चाहिए, अविलंब इंक्वायरी की मांग करते हैं हम NMCH को लेकर, और अविलंब सवेरा प्रयास और अन हॉस्पिटल की जो मौत हुई है उसका हम इंक्वायरी चाहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग जो ऑक्सीजन और अनचीट रेमडिसिविर और जीवन रक्षक दवाई की हो रही है, उस पर अविलंब रोक लगे। पटना की जनता को ऑक्सीजन मिले, मैं ऐसा चाहता हूं। उसकी जान माल की हिफाजत के लिए जन अधिकार पार्टी मरकर जी कर तैयार। धन्यवाद। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।